अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी का उद्गम यहीं से होता है। ये छोटा सा टाउन मैकाल की पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ती है। समुद्र तल से करीब 1067 मीटर की ऊंचाई वाला ये छोटा सा टाउन पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। पहाड़ों से उतरती हुई नर्मदा नदी के किनारे जंगलों में यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का आश्रम भी है, एक गुफा भी है। साल के ये जंगल वन औषधि के लिए भी प्राचीन समय से बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ पर नर्मदा की धारा जो झरनों के रूप में उतरती है, उसको दूध धारा के नाम से भी जाना जाता है। जैव विविधता के लिहाज से भी ये बड़ा अहम स्थान है। यहाँ पर माई की बगिया नाम का एक मंदिर भी मौजूद है। साथ ही सोन नदी का उद्गम यहाँ पर इस स्थान से होता है और यहाँ से जंगल बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के रूप में दिखाई देता है। यहीं से सोन नदी की धारा ज़मीन पर उतरती है, आगे बढ़ती है। इस स्थान को सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। दो नदियों के उद्गम के साथ साथ अमरकंटक मंदिरों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्री मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली भी है। कपिलधारा, दूधधारा, श्री कल्याण सेवा आश्रम, नर्मदा मंदिर, रेवा कुंड, ये सारे मंदिर यहाँ पर, साथ ही साथ यहाँ पर श्री यंत्र महामेरु शक्तिपीठ भी है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पातालेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास 8वीं सदी का माना जाता है, जब शंकराचार्य ने यहाँ पर पातालेश्वर की प्रतिमा स्थापित किया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में कलचुरी नरेश कर्णदेव ने कराया था। यहाँ के मंदिर नागर शैली की स्थापत्य कला से कई दशकों में कई चरणों में बनाए गए हैं। पत्थरों से बनाए गए ये मंदिर बहुत ही विलक्षण स्थापत्य कला के नमूने माने जाते हैं। यहाँ पर नर्मदा के उद्गम रेवा कुंड स्थित नर्मदा मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है।